हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आपको व्हाट्सएप पर कोई इस तरह का मैसेज करेगा तो आपको कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। मुझे लगता है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए इसको जाने देते हैं। मान लीजिएगा इस तरह का मैसेज आप अपने घर वालों या अपने दोस्तों को करेंगे तो उनको कैसे लगेगा। एक बार तो वो खुश हो जाएंगे कि खासकर आपने उन लोगों के लिए कुछ इस तरह का मैसेज बनाकर उनको भेजा है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह का मैसेज बनाकर अपने दोस्त लोगों को भेजना चाहते हैं, यानी कि विश करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैप्पी दशहरा भाई। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने दोस्त लोगों को विश करना चाहते हैं, चाहे वो हैप्पी बर्थडे हो या कोई त्यौहार हो, और इस तरह के यूनिक मैसेज बनाकर अपने दोस्त लोगों को भेजना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह के मैसेज बनाकर अपने दोस्त लोगों को भेज सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ऐसी टैक्स से रिलेटेड वीडियोस डेली देखने के लिए आप इस चैनल पर जोड़ सकते हो। एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कहाँ से आपको वो डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, कुछ 2-3 MB की ये एप्लीकेशन है और काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लेटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी यहाँ पर आपका मन करे, चाहे वो हैप्पी बर्थडे हो, चाहे जो भी मतलब त्यौहार हो, उस हिसाब से लिख सकते हो। और अगर आपकी कोई महिला मित्र है या आपका कोई दोस्त है, मतलब पुरुष मित्र जो भी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ भी लिख के उनको विश कर सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, काफी हट के यहाँ पर इमोजी आप यहाँ पर देख सकते हो, लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पर बता रहा था आपको कैपिटल स्मॉल लेटर में तो लिख ही सकते हो, और इमोजी भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे भी इमोजी आपको लगाने हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मन मर्जी से, और उनको लगाकर और उस तरह से यहाँ पर आपका टेक्स्ट है जो आपने लिखा है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स इसके और भी फीचर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलता है एक सेटिंग का ऑप्शन थर्ड नंबर पर, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है वो है अप्लाई ए सिंगल इमोजी टू ईच, यानी कि एक तरह की इमोजी में ही पूरे आपको लेटर्स लिखने, यानी कि हेलो लिखा आपने और ग्रीन ग्रीन कलर का आपने हट यूज़ किया तो पूरा ही वो ग्रीन कलर का हो जाएगा यदि आप इसको ऑन रखते हो तो। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे की साइड है ऑप्शन रैंडम ऑर्डर, यदि आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पर जितने भी इमोजी, मान लीजिएगा 4-5 इमोजी आपने यूज़ किए हैं और उनको आप ऑन करके यदि उस मतलब टेक्स्ट कोई भी लिखोगे तो वो यहाँ पर रैंडमली मतलब कुछ भी लिखोगे। जैसे यहाँ पर आपको मैं कन्फर्म कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर एड्स आते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी यहाँ पर सिंगल जो इमोजी है सिंपल है, और यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इमोजी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, मतलब यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं, जितने भी आपने 5-6 इमोजी सेलेक्ट करके वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेटर साइज, तो यहाँ पर आप लेटर साइज भी इसको मतलब साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि मैं बता दूँ आपको कहाँ पर भी मिल जाता है वहाँ पर भी मिल जाता है लेटर साइज में। यहाँ पर आप इसको यदि बंद कर दोगे तो यहाँ पर आपकी जो साइज है वो बहुत छोटी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी छोटी यहाँ पर आपकी साइज हो जाती है लेटर की, तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा के रखिएगा और थिकनेस यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स बैक आने के बाद में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा प्लस का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ से आप चाहो तो इसको साइज बढ़ा सकते हो, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी आपने साइज बढ़ाई और यहाँ पर जो इमोजी लिखा हुआ है वो यहाँ पर साइज उसकी बढ़ चुकी है, और यहाँ पर आप इसको कम कर सकते हो, जितनी साइज आपको चाहिए उतनी यहाँ पर कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद में अलग ऑप्शन की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको आप चेंज कर सकते हो। यदि आप मतलब इसको व्हाट्सएप पर ऐसा नहीं भेज सकते, फिर आपको यहाँ पर कोई मतलब कोई टेक्स्ट आप चेंज करो, कोई PDF की फाइल बना रहे हो, तब आप इसको इस तरह का बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक और ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन हिसाब से यहाँ पर आपको कई सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर इनको आप सेव कर सकते हो और उनसे बना सकते हो कोई अलग टाइप का यूनिक नेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फिर नीचे की साइड शेयर का बटन मिल जाता है, जिसके बारे में जो कि मेनली है जिससे ही यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखते हो इमोजी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप में जाता हूँ अपने में, और व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको भेज देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मली ये मैसेज मैंने इसको भेजा है, और इमोजी यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी काफ़ी यूनिक टाइप से लिखा हुआ है, अच्छा भी लगता है देखने में। तो फ्रेंड्स इसके बाद में यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वही सेटिंग में चले जाते हो। और बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एड्स आते हैं, यदि आप इसका डाटा ऑफ रखोगे तो यहाँ पर एड्स नहीं आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसको मतलब कन्वर्ट करने का है, जो कि यहाँ पर इसको उल्टा सीधा कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको यदि कलर्स का मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर मान लीजिएगा मैंने रेड कर लिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो टेस्ट कॉपी करेंगे वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप शेयर पर क्लिक करके और यदि इसका इमेज बनाओगे तो ये ज़रूर आपके बैकग्राउंड में दिखेगा आपको, क्योंकि बैकग्राउंड में जो इमेज सेव होगी वो रेड कलर के बैकग्राउंड में ही इमेज सेव होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया हूँ, सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही है आपको यहाँ पर लिखना है, और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, कुछ ही MB की है, और काफ़ी अच्छे इसमें फीचर्स अपन को देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर
में आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और वीडियो के सॉरी इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमेशा की तरह, और जाते जाते लास्ट में आपको 3 वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।